चैप्टर नंबर 4, तीन प्रकार के बिजनेस सिस्टम। आपका लक्ष्य एक सिस्टम का स्वामी बनना है जिसमें दूसरे लोग आप एक हाथ काम करें। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते समय यह याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना। आप या तो यह सिस्टम खुद तैयार कर सकते हैं या फिर उसे खरीद सकते हैं। सिस्टम को वह सेतु माने जो आपको कैसल क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है, और यह सेतु वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने वाला सेतु भी है। आज मुख्य रूप से तीन प्रकार के बिजनेस सिस्टम हैं। नंबर 1, पारंपरिक सी टाइप कॉरपोरेशन, जहां आप अपना खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। नंबर 2, फ्रेंचाइजी, जहां आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बनते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ हैं, परंतु अंततः प्रत्येक में आपको एक ही चीज़ मिलती है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर सिस्टम आपको स्थायी आमदनी प्रदान करता है, और मालिक के रूप में आपको ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते यह खड़ा हो जाए और सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या इसे खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने में आती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सन 1985 में आप बेघर क्यों थे। इसके जवाब में इमोर मैं बस यही कहते हैं, हम एक बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। यह एक ऐसा बिजनेस सिस्टम था जो पारंपरिक कॉरपोरेशन और फ्रेंचाइजी का मिला जुला रूप था। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बी क्वाड्रेंट में सिस्टमों और लोगों दोनों के ही ज्ञान की जरूरत होती है। हमने अपना खुद का सिस्टम बनाने का जो निर्णय लिया था वह कड़ी मेहनत का रास्ता था। मैं इस रास्ते पर पहले ही चल चुका था, हालांकि मेरी बनाई कंपनी डूब गई थी। हालांकि यह कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, परंतु अचानक यह 5वें साल में धराशायी हो गई। जब हमें सफलता मिली तो हम पर्याप्त सिस्टम तैयार नहीं कर पाए। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, परंतु उसके बावजूद सिस्टम बिखरने लगा। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक ऐसी बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया था। समस्या यह थी कि हम उस छेद को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हालांकि हम सब पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि छेद कहाँ हुआ था, परंतु हम इतनी तेजी से पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कि हम छेद को ढूंढकर उसे ठीक कर सकें। अगर हमें वह मिल भी जाता तो भी हमें यह विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते थे। तुम्हारी 2-3 कंपनियाँ डूब सकती हैं। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे अम्मी डैडी ने अपने पुत्र और मुझे बताया कि 20 और 30 साल के बीच की उम्र में उनकी कंपनी डूब गई थी। उन्होंने कहा वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव था। मुझे कंपनी डूबने का अफसोस जरूर हुआ था, परंतु मैंने इसे सुधारने और अंततः इसे एक बड़ी सफलता में बदलने से बहुत ज़्यादा सबक सीखे। जब अम्मी डैडी को यह पता चला कि मैं खुद ही कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहा था, तो वे मुझसे बोले, यह हो सकता है कि सफल और दीर्घजीवी कंपनी बनाने से पहले तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब जाएं। वे अपने पुत्र माइक को अपना साम्राज्य संभालने का प्रशिक्षण दे रहे थे। क्योंकि मेरे डैडी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मुझे विरासत में साम्राज्य नहीं मिलने वाला था, मुझे अपना साम्राज्य खुद बनाना था। सफलता एक खराब शिक्षक है। अम्मी डैडी हमेशा कहा करते थे, सफलता एक खराब शिक्षक है। हम जब असफल होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए असफल होने से कभी मत डरना। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफलता नहीं पा सकते। यही वजह है कि जीवन में वही लोग सचमुच हारते हैं जो कभी असफल नहीं होते। शायद यह एक सटीक भविष्यवाणी थी, क्योंकि सन 1984 में मेरी जो कंपनी दिवालिया हुई वह मेरी तीसरी कंपनी थी। मैंने लाखों डॉलर कमाए थे और लाखों डॉलर गवा दिए थे। जिस समय मैं किम से मिला, उस समय मैं एक बार सोने से अपना कारोबार शुरू कर रहा था। उसने मुझसे मेरी दौलत के लिए शादी नहीं की। मैं यह बात इतनी अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास दौलत थी ही नहीं। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी चौथी कंपनी बनाने जा रहा हूँ, तो वह पीछे नहीं हटी। उसका जवाब था, हम इसे मिलकर बनाएंगे, और वो अपने वादे की पक्की थी। एक और पार्टनर के साथ मिलकर हम दोनों ने ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया जिसके दुनिया भर में 11 ऑफिस थे। भले ही हम इसमें काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हमें इससे आमदनी होती थी।
16 से 11 ऑफिसों तक के इस सफर में हमने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अंततः हम सफल हो गए। दोनों ही डैडी मेरी सफलता पर खुश थे और उन्होंने मुझे सच्चे दिल से बधाई दी। कंपनियां शुरू करने के मेरे पूर्व प्रयोगों में उन दोनों का कुछ पैसा डूब गया था। मुश्किल हिस्सा, मेरे अम्मी डैडी का पुत्र माइक मुझसे हमेशा कहता था, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं वह कर सकता हूँ जो तुमने या मेरे अम्मी डैडी ने किया है। मुझे बना बनाया सिस्टम मिल गया था और मुझे सिर्फ इसे चलाना सीखना था। मुझे विश्वास है कि वह अपना खुद का सफल सिस्टम बना सकता था क्योंकि उसने अपने डैडी से अच्छी तरह सीखा था। बहरहाल मैं उसकी बात का मतलब समझता हूँ। कंपनी को शून्य से शुरू करने में मुश्किल बात यह है कि आपके पास दो बहुत परिवर्तनशील चीज़ें होती हैं, सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाले लोग। अगर लोगों और सिस्टम दोनों में ही छींद हो तो असफलता की संभावना ज़्यादा है। कई बार यह जानना मुश्किल होता है कि असली समस्या कहाँ है, असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम। फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे अमित डैडी ने मुझे भी बनने के बारे में सिखाना शुरू किया, तब सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस होता था। यह बड़ा बिजनेस था, एक बड़ा कॉरपोरेशन जिसका आमतौर पर शहर पर आधिपत्य होता था। हवाई के हमारे कस्बे में यह कॉरपोरेशन शुगर प्लांट्स था जो व्यवहारिक रूप से हर चीज़ को नियंत्रित करता था, जिसमें एक बड़ी कंपनी शामिल थी। हमारे यहाँ बड़ी कंपनी थी और कुछ इस टाइप के बिजनेस भी थे जिसके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं था। अमेरी डैडी और मेरे जैसे लोगों के लिए उन बड़ी सक्कर कंपनियों के शीर्ष पर पहुँचना असंभव था। अल्पसंख्यक लोग यानी जापान, चीन और हवाई के नागरिक खेतों में तो काम करते थे, परंतु उन्हें कभी बोर्ड रूम में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसलिए अमेरी डैडी ने जो कुछ भी सीखा अपने प्रयोगों और गलतियों से सीखा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो हमने फ्रेंचाइजी नाम की एक नई चीज़ के बारे में सुना। उस समय तक हमारे छोटे कस्बे में एक फ्रेंचाइजी नहीं आई थी। हमने मैकडॉनल्ड्स या केटो की फ्राइड चिकन या टेको बेल के बारे में नहीं सुना था। जब मैं अमित डैडी से शिक्षा ले रहा था तो फ्रेंचाइजी हमारी शब्दावली का हिस्सा नहीं थी। हमने उनके बारे में ये अफवाह सुनी थी कि वे गैर कानूनी, धोखाधड़ी की कारोबार और ख़तरनाक काम होती हैं। जाहिर है अमित डैडी ने इन अफवाहों की हकीकत मालूम करने का फैसला किया। वे फ्रेंचाइजी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हवाई जहाज से कैलिफोर्निया गए। उनका निष्कर्ष यह था कि अफवाहें निराधार थी। जब वे लौटे तो उन्होंने इतना ही कहा, फ्रेंचाइजी भविष्य की लहर है। यही नहीं, उन्होंने दो फ्रेंचाइजियों के अधिकार भी खरीद लिए। जब फ्रेंचाइजी के विकार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान छूने लगी। वे अब दूसरे लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी के अधिकार बेचने लगे ताकि उन्हें भी अपना बिजनेस बनाने का मौका मिल सके। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उनसे किसी फ्रेंचाइजी के अधिकार खरीद सकता हूँ, तो उन्होंने इतना ही कहा, नहीं, तुम यहाँ सीखने की राह पर बहुत दूर तक पहुँच चुके हो कि अपना खुद का बिजनेस सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इसलिए अब बीच में मत रुको। फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस बनाना नहीं चाहते या वे उसे बनाने का तरीका नहीं जानते। इसके अलावा तुम्हारे पास फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए $2.5 लाख नहीं है। आज मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग या पिज्ज़ा हट के किसी शहर की कल्पना करना मुश्किल है, परंतु एक समय था और वह समय बहुत पहले नहीं था जब उनका अस्तित्व नहीं था। और मेरी उम्र इतनी है कि मुझे वे दिन याद हैं। बी बनना कैसे सीखें? मैंने अपने अम्मी डैडी का शिष्य बनकर बी बनना सीखा। उनका पुत्र और मैंने दोनों ही ई थे जो बी बनना सीख रहे थे, और यही वह तरीका है जिससे बहुत से लोग सीखते हैं। इसे नौकरी करते हुए प्रशिक्षण हासिल करना कहते हैं। यही वह तरीका है जिससे कई पारिवारिक व्यवसायों का साम्राज्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। समस्या यह है कि बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि वे बी बनने के पर्दे के पीछे के पहलुओं को सीख सकें। अधिकांश कॉरपोरेशन मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। कंपनी आपको सिर्फ मैनेजर बनने का प्रशिक्षण देती है। बहुत कम लोग यह सीखते हैं कि बी बनने के लिए सचमुच क्या आवश्यक है। अक्सर लोग बी क्वाड्रेंट की अपनी यात्रा के बीच में इस क्वाड्रेंट में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा मूलतः इसलिए होता है क्योंकि वे पर्याप्त सशक्त सिस्टम नहीं बना पाते हैं।
वे सिर्फ सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जबकि सफल भी एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लेते हैं जो उनके बिना भी चलता रहे। ऐसे तीन तरीके हैं जो आपको तेजी से बिग क्वाड्रेंट में पहुंचा सकते हैं। नंबर वन, एक मार्गदर्शक खोजें। मेरे मम्मी डैडी मेरे मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शक यानी मेंटोर वह होता है जो उस काम को पहले कर चुका हो और सफलतापूर्वक कर चुका हो। परामर्शदाता न खोजे। परामर्शदाता यानी एडवाइजर वह है जो आपको बताता है कि काम कैसे करना है, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से वह काम कभी नहीं किया है। अधिकांश परामर्शदाता एक्सपर्ट में होते हैं। दुनिया ऐसे इस लोगों से भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि BI कैसे बनाया जाता है। मेरे अम्मी डैडी परामर्शदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे जो बेहतरीन नसीहतें दी उनमें से एक यह थी, जो सलाह लो उसके बारे में सावधान रहो। हालांकि तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, परंतु हमेशा इस बारे में जागरूक रहना कि सलाह किस क्वाड्रेंट से आ रही है। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे सिस्टमों के बारे में सिखाने के साथ यह भी सिखाया कि लोगों का मैनेजर बनने के बजाय उनका लीडर कैसे बनाया जाता है। मैनेजर अक्सर अपने अधीनस्थों को अपने से हीन मानते हैं, जबकि लीडर्स को उन लोगों को दिशा देनी होती है जो प्रायः उनसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सिस्टम शुरू करने के लिए मूलभूत जानकारी चाहिए और आप इस विषय पर कोई उत्कृष्ट पुस्तक पढ़ना चाहें तो माइकल गर्वर की ई मिथ पढ़कर देखें। जो लोग अपना खुद का बिजनेस बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक अनमोल है। सिस्टमों के बारे में सीखने का पारंपरिक तरीका यह है कि किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA की डिग्री लेकर किसी कंपनी में तेजी से तरक्की करने वाली कोई नौकरी खोज लें। MBA की डिग्री महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आप अकाउंटिंग की मूलभूत बातें सीखते हैं और यह भी कि किस तरह आर्थिक आंकड़े बिजनेस के सिस्टमों से संबंधित होते हैं। बहरहाल, अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन सभी सिस्टमों को चलाने में निपुण हो चुके हैं जिनसे मिलकर संपूर्ण बिजनेस सिस्टम बनता है। बड़ी कंपनी में आवश्यक सभी सिस्टमों और बिजनेस के सभी पहलुओं के बारे में सीखने के लिए आपको वहाँ 10 से 15 साल बिताने पड़ेंगे। इसके बाद आपको वह बड़ी कंपनी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी होगी। किसी सफल बड़े कॉरपोरेशन में नौकरी करना वैसा ही है जैसे मार्गदर्शक आपको तनख्वाह दे रहा हो। मार्गदर्शक और वर्षों के अनुभव के बाद भी पहले तरीके से बहुत मेहनत लगती है। अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत से प्रयासों और गलतियों की जरूरत होती है। इसमें शुरुआती कानूनी खर्चों और कागजी कार्रवाई की भी जरूरत होती है, और यह सब उसी समय होता है जब आप अपने लोगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर टू, फ्रेंचाइजी। सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी उत्कृष्ट फ्रेंचाइजी हैं। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करने के बजाय फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीद कर आप सिर्फ अपने लोगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को पहचानता है और यह भी कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदें तो एक बात के बारे में सावधान रहें, मेहरबानी करके इस ना बने जो अपना खुद का काम करना चाहता है। अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदते हैं तो ई बने, बस वही करें और वैसा ही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। कोई और चीज़ इतनी दुखद नहीं है जितना कि फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी के बीच के अदालती युद्ध। ये युद्ध आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग सिस्टम खरीदते हैं वे इस काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। वे इस काम को इस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरह सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति चाहता है। अगर आप अपने खुद के तरीके से काम करना चाहते हैं तो ऐसा आप तभी करें जब आप में सिस्टम और लोगों दोनों का ज्ञान हो। हालांकि मेरे उस रिची डैडी ने एक मशहूर और महंगी आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदी थी, परंतु इसके बावजूद वे असफल हो गए। हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा था परंतु इसके बावजूद चौपट हो गया। मेरे विचार से वह फ्रेंचाइजी इसलिए असफल हुई क्योंकि वे और उनके पार्टनर ई एस क्वाड्रेंट के थे।
उन्हें यानी मालूम था कि स्थिति बिगड़ने पर क्या करना है। उन्होंने मात्र कंपनी या फ्रेंचाइजी से भी मार्गदर्शन नहीं मांगा। अंत में पार्टनर आपस में झगड़ने लगे और बिजनेस चौपट हो गया। वे भूल गए कि सच्चा बी बिजनेस सिर्फ सिस्टम से नहीं चलता है, यह उस सिस्टम को चलाने वाले अच्छे लोगों पर निर्भर करता है। बैंक बिना सिस्टम वाले लोगों को लोन नहीं देते। अगर बैंक बिना सिस्टम वाले छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं देते तो आप क्यों दें? लगभग हर दिन लोग मेरे पास बिजनेस योजना लेकर आते हैं। उन्हें यह आशा होती है कि मैं उनकी विचार या योजना में अपने धन का निवेश करूंगा। ज़्यादातर बार मैं एक प्रमुख कारण से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हूँ। पैसा चाहने वाले लोग प्रोडक्ट और सिस्टम के फर्क को नहीं जानते। मेरे कुछ दोस्त जो एक बैंड में गायक हैं मुझसे कहते हैं कि मैं एक नई संगीत सीडी बनाने में धन का निवेश करूं। अन्य कई लोग हैं जो मेरी मदद से दुनिया को बदलने वाली कोई अलाभकारी संस्था बनाना चाहते हैं। अगर उनके पास बिजनेस सिस्टम बनाने और चलाने का जरा भी अनुभव नहीं है या बहुत कम अनुभव है तो मैं उनका प्रस्ताव ठुकरा देता हूँ, भले ही मुझे वह योजना प्रोडक्ट ये व्यक्ति कितना ही पसंद क्यों ना आए। आप गा सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप मार्केटिंग सिस्टम, वित्तीय और लेखांकन सिस्टम, सेल्स सिस्टम, लोगों को नौकरी देने और नौकरी से निकालने के सिस्टम तथा कानूनी सिस्टम जैसे बहुत से सिस्टमों को समझते हैं जो किसी भी बिजनेस के स्थायित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। बिजनेस कायम करें और समृद्ध होते रहें इसके लिए सभी सिस्टमों को 100% काम करना होगा और जवाबदेह बनना होगा। उदाहरण के लिए हवाई जहाज सिस्टमों का सिस्टम है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है और ईंधन का सिस्टम खराब हो जाए तो अक्सर दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह की चीज बिजनेस में होती है। अगर आप जिन सिस्टमों के बारे में जानते हैं उनके कारण समस्या उत्पन्न नहीं होती है, आपके साथ दुर्घटनाएं तो उन सिस्टमों के कारण होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। मानव शरीर सिस्टमों का सिस्टम है। हम में से अधिकांश का कोई पीरियड मर गया होगा क्योंकि शरीर के किसी सिस्टम ने ठीक से काम करना बंद कर दिया होगा। इसे रक्त संचारण तंत्र जो बाकी सभी सिस्टमों में बीमारी फैला देता है। यही वजह है कि आजमाया हुआ और सफल बिजनेस सिस्टम बनाना आसान नहीं है। जिन सिस्टमों के बारे में आप भूल जाते हैं या जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं उनकी वजह से आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं और आपको नुकसान होता है। इसलिए मैं उस ई या एस की योजना में बहुत कम निवेश करता हूँ। जिनके पास कोई नया प्रोडक्ट या विचार होता है, व्यावसायिक निवेशकों की वृत्ति आजमाए हुए सिस्टमों में निवेश करने की होती है जहाँ लोग उन सिस्टमों को चलाना जानते हों। अगर बैंक सिर्फ आजमाए हुए और सच्चे बिजनेस सिस्टमों पर कर्ज देता है और उसे चलाने वाले व्यक्ति को देखता है तो आपको भी यही करना चाहिए, बशर्ते आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हो। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है या उसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया है। किसी भी तरह के नए सिस्टम या विचार को अक्सर इस तरह के दौर से गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीब और संदिग्ध के रूप में विकृत किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु बरसों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के बी बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा तो मैंने अपनी मानसिकता बदल ली। जब मैंने अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की तो मैंने पाया कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे थे। जब मैं इन लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उनके बिजनेस का दूसरे लोगों के जीवन और वित्तीय भविष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मैं सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रशंसा के भाव से भर गया। बहुत कम प्रवेश शुल्क, लगभग $200 के करीब देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके संगठन पूरी तरह संचालित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम कागजी लिखा पढ़ी, ऑर्डर की प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग और फॉलोअप का सिरदर्द पूरी तरह संभाल लेते हैं। इस ऑटोमेटेड बिजनेस अवसर के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने सारे प्रयास अपने बिजनेस को बनाने पर केंद्रित कर सकते हैं।
उन्हें छोटे बिजनेस की सामान्य शुरुआती शर्तों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरे एक पुराने मित्र ने रियल एस्टेट में $1,000,000 से अधिक का धन कमाया था। सन 1997 में वह नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसने इसमें अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए उसे इतनी मेहनत करते देख मैं हैरान रह गया, क्योंकि निश्चित रूप से उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने कहा, मैं CPA बनने के लिए कॉलेज गया था और मेरे पास फाइनेंस में MBA की डिग्री भी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अमीर कैसे बना, तो मैं उन्हें अपने $1,00,000 के रियल एस्टेट सौदे के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें $1,00,000 की उस निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे रियल एस्टेट से हर साल मिलती है। इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ पीछे हट जाते हैं या छिटक जाते हैं। आप तो जानते ही हैं मैं जिस तरह के $1,00,000 के रियल एस्टेट बिजनेस निवेश करता हूँ, वे लोग उस तरह के निवेश नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि न होने के अलावा उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी भी नहीं होती है। इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए एक ऐसे तरीके की तलाश शुरू कर दी जिससे वे भी निष्क्रिय आमदनी के उसी स्तर को हासिल कर सकें जो मैंने रियल एस्टेट से हासिल किया था। 6 साल तक कॉलेज जाए बगैर और रियल एस्टेट में 12 वर्ष तक निवेश किए बगैर, मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को निष्क्रिय आमदनी कमाने का अवसर देती है जो व्यावसायिक निवेशक बनना सीखते समय सहारा देती है। इसलिए मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देता हूँ। भले ही उनके पास कम पैसा हो, परंतु इसके बावजूद वे 5 साल तक इसमें मेहनत करके पर्याप्त से अधिक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करने के बाद उनके पास सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदों में निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी भी होती है। मेरे मित्र ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। इसके बाद वह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उसके साथ निवेश करना चाहते थे। वह अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल हो रहा है और निवेश के बिजनेस में भी। उसने मुझे बताया, मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं निवेश के लिए धन जुटाने में लोगों की मदद करना चाहता था, और अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि मैं एक बिल्कुल नए बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहा हूँ। महीने में 2 शनिवारों को वह अपनी कक्षा आयोजित करता है। पहली मीटिंग में वह लोगों को बिजनेस सिस्टमों और लोगों के बारे में सिखाता है, यानी यह कि सफल भी कैसे बना जाए। महीने की दूसरी मीटिंग में वह उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय वृद्धि के बारे में सिखाता है। वह उन्हें स्मार्ट आई बनना सिखा रहा है। उनकी कक्षा में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वह उसे पैटर्न का सुझाव देता है जिसका सुझाव मैं देता हूँ, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी। और इसलिए आज मैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पर विचार करने की सलाह देता हूँ। कई नामी फ्रेंचाइजी को खरीदने की लागत $1,00,000 या इससे अधिक है। फ्रेंचाइजी एक तरह से व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी खरीदना है जिसकी लागत अक्सर $200 से भी कम होती है। मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज़्यादातर काम बहुत मेहनत से भरा होता है, परंतु किसी भी क्वाड्रेंट में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती ही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कोई आमदनी नहीं होती है। मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों और उनके भुगतान की योजनाओं पर रिसर्च की है। अपनी रिसर्च के दौरान मैं कई कंपनियों में शामिल भी हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और मैं आज भी ग्राहक के रूप में उनका प्रयोग करता हूँ। बहरहाल, मैं जब आपको एक अच्छी कंपनी खोजने की सलाह देता हूँ जो आपको क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक ले जाने में मदद करे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। ऐसी बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो सिर्फ इस बात में रुचि रखती हैं कि आप अपने दोस्तों को उनका सिस्टम बेच दें, और ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी मूलभूत रुचि आपको शिक्षित करने और सफल बनाने में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की रिसर्च करने में मैंने यह पाया कि आप उनके कार्यक्रमों से 2 महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं जो सफल भी बनने के लिए अनिवार्य है। 1, सफल बनने के लिए आपको रिएक्शन यानी अस्वीकृति के डर से मुक्ति पाना सीखना होगा। आपको इस बारे में चिंता करना छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो खुद को सिर्फ इसलिए रोके रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे कोई अलग काम करेंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। मैं इस स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कभी इस रास्ते पर चल चुका हूँ। मैं छोटे कस्बे से आया हूँ
जहां हर आदमी जानता था कि दूसरा आदमी क्या कर रहा था। अगर किसी को आपका कोई काम पसंद नहीं आता था तो पूरा कस्बा उसके बारे में जान जाता था और आपके काम को अपनी चिंता बना लेता था। मैंने खुद से जो वाक्य बार बार कहा है वह सबसे अच्छे वाक्यों में से एक है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे रिजॉक्स कॉरपोरेशन में सेल्स काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह नहीं था कि वे फोटोकॉपियर्स को पसंद करते थे, बल्कि यह था कि वे चाहते थे कि मैं अपने संकोच और रिजेक्शन के डर से मुक्ति पा जाऊं। नंबर 2, लोगों का नेतृत्व करना सीखना। अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना बिजनेस की सबसे मुश्किल चीज़ें हैं। मैं बिजनेस के जितने भी सफल लोगों से मिलता हूँ वे स्वाभाविक लीडर्स थे। लोगों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें प्रेरित करने की योग्यता अनमोल है। यह एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था, बाएं कॉरिडोर से दाएं कॉरिडोर में पहुंचने का संबंध इस बात से उतना ही नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या बनना चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करना सीखें या सीखें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे प्रभावित नहीं होना है। इसके अलावा लोगों का नेतृत्व करना सीखें। अगर आप यह सीख लेंगे तो आपको दौलत निश्चित रूप से मिलेगी। यही वजह है कि मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अनुशंसा करता हूँ जो पहले तो आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो, बजाय इसके कि वह आपको सेल्समैन बनाने में ज़्यादा रुचि ले। मैं आपको इस तरह की कंपनी से जुड़ने की सलाह देना चाहूँगा। 1, जो आजमाए हुए संगठन हो, जिनका सफल रिकॉर्ड हो और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भुगतान योजना वर्षों से सफल हो। 2, जिसके पास ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप सफल हो सकते हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हो और जिससे आप दूसरों को विश्वास पूर्वक बता सकते हो। 3, जिनके निरंतर चलने वाले दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम हो जो इंसान के रूप में आपका विकास करें। आत्मविश्वास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से का अत्यावश्यक गुण है। 4, जिनका सशक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम हो। आप लीडर्स से सीखना चाहते हैं परामर्शदाताओं से नहीं। जो लोग पहले से क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में लीडर हों और जो आपको सफल देखना चाहते हो उन्हीं से सीखें। 5, जिनमें ऐसे लोग हों जिनका आप सम्मान करते हों और जिनके साथ रहने में आपको आनंद आए। अगर आपके द्वारा चुनी गई कंपनी इन 5 मापदंडों को पूरा करती हो तभी और सिर्फ तभी प्रोडक्ट को देखें। बहुत से लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट के पीछे के बिजनेस सिस्टम तथा कंपनी को नहीं देखते। मैंने जिन कंपनियों को करीब से देखा है उनमें से कुछ इस तरह की प्रोत्साहित करने वाली बातें कहती हैं। यह प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है, यह आसान है। अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो यह एस क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। परंतु अगर आप दीर्घकालीन बी बनने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो सिस्टम आजीवन शिक्षा और लोग अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे एक मित्र और सहयोगी को इस उद्योग के बारे में काफ़ी जानकारी है। उसने मुझे समय के मूल्य के बारे में याद दिलाया जो हमारे सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सच्ची सफलता तब मिलती है जब कम अवधि तक समय और कड़ी मेहनत के निवेश के बाद आपको लंबी अवधि तक काफ़ी निष्क्रिय आमदनी होती है। एक बार जब आप अपने नीचे एक सशस्त्र संगठन बना लेते हैं तो आप काम करना बंद कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अपने बनाए हुए संगठन के प्रयासों से आमदनी होती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी अब भी यह है कि आप में और आपके संगठन में यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता होना चाहिए कि आपको उस तरह के बिजनेस लीडर में विकसित होना है जिस तरह के लीडर आप बनना चाहते हैं। सिस्टम स्वतंत्रता का सेतु है। बेघर बनना एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं दोहराना चाहूँ। बहरहाल किम और मेरे लिए यह अनुभव अनमोल था। आज मेरे पास जो है उससे हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं मिलती है, सुरक्षा या जानने और इस विश्वास से मिलती है कि हम दोबारा बन सकते हैं। उस मुश्किल समय के बाद हमने एक रियल एस्टेट कंपनी, एक ऑनलाइन कंपनी, एक माइनिंग कंपनी और 2 शैक्षणिक कंपनियां बनाई। इस मायने में सफल सिस्टम बनाना सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक रही। बहरहाल मैं इस प्रक्रिया से गुजरने की सलाह किसी को नहीं देना चाहूँगा जब तक कि वे सचमुच इससे न गुजरना चाहे। कुछ साल पहले तक बी क्वाड्रेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सफल होने की संभावना थी
जो बहादुर या अमीर हों, टीम और मैं निश्चित रूप से बहादुर रहे होंगे, क्योंकि यह तो तय है कि हम अमीर नहीं थे। अधिकांश लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा जोखिम है। उनके लिए नौकरी में सुरक्षित बने रहना ज़्यादा स्मार्ट तरीका है। आज मूलतः प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के कारण सफल बिजनेस मालिक बनने में जोखिम बहुत कम हो गया है और अपने खुद के बिजनेस सिस्टम का स्वामी होने का अवसर लगभग हर एक के लिए उपलब्ध है। फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग ने अपना सिस्टम बनाने की मुश्किल को आसान कर दिया है। आप एक अजमाए हुए सिस्टम के अधिकार हासिल करते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, लोगों को विकसित करना। इन बिजनेस सिस्टमों को उनसे सेतु के रूप में देखें जिससे आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। यह वित्तीय स्वतंत्रता का आपका सेतु होगा। अगले अध्याय में मैं क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के दूसरे भाग यानी आई निवेशक के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, याद तो थी हमारे आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है निवेशकों के 5 स्तर।